महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय रह गया है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बीते दिनों हुई मुलाकात कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों को साफ दर्शा रहा है। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। अब नई सियासी हलचल देख लगता है कि शिवसेना यूबीटी एक्टिव मोड में आ गई है, या कहें कि बीजेपी के गठबंधन महायुति को हराने के लिए कांग्रेस वाला गठबंधन महाविकास अघाड़ी बिगुल फूंक चुका है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के ताजा बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। अब इस बयान के अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या है इस बयान के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे साहब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति बुरी तरह उलझ चुकी है। पार्टियों में टूट है और एक धड़ा विपक्ष में है तो दूसरा सत्ता में चला गया है। ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत लगातार रफ्तार पकड़ रही है। चर्चा है कि आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, लेकिन इससे पहले उम्मीदवार के नामों पर चर्चा जोरों पर है। अब इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है और कह दिया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का बिना शर्त समर्थन करेगी। सुनिए उद्धव ठाकरे का ये बयान। पहिल्या प्रथम आपण सर्वांनी एक शपथ घेतली पाहिजे की कोणत्याही परिस्थितीत मी किंवा महाराष्ट्राचं हित, माझ्यापेक्षा महाराष्ट्राचं हित आम्ही जपू। मला उमेदवारी मिळाली नाही मिळाली तरी चालेल, पण यांना खाली खेचू। आणि साहजिकच आहे, आपल्यात काड्या घालणारे लोक आहेत, युतीमध्ये बसलेत त्यांच्या। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवारसाहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचा जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। उद्धव ठाकरे ने एमवीए की एक मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक लड़ाई होगी। इसके लिए एमवीए सहयोगियों से उन्होंने ये गुजारिश भी की कि वो पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें और फिर प्रचार अभियान शुरू करें। वैसे इन सब के बीच उद्धव की दिल्ली में हुई नेताओं के साथ मुलाकात भी चर्चा में आ गई है। बीते दिनों उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से मुलाकात की थी। इनके अलावा उद्धव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भी घर गए और आप नेता संजय सिंह के साथ साथ टीएमसी के डेरेक ओब्रायन से भी मिले। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने कई नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली आकर मीडिया से बात करते हुए इशारों इशारों में उद्धव ने खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताने में भी परहेज उस वक्त नहीं किया था। हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर चुप्पी साध रखी थी।
अब इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त बुरी तरह उलझ चुकी है। जैसे कि हमने बताया, पार्टियों में टूट हुई है, एक धड़ा विपक्ष में है तो दूसरा सत्ता में चला गया है। अब सबकी नजर इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों पर जा चुकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। पिछली बार अक्टूबर 2019 में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। चुनाव परिणाम में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी और शिवसेना सरकार का गठन नहीं कर पाए थे। फिर बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया और उद्धव ठाकरे इस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने थे। लेकिन फिर साल 2022 में शिवसेना में शिंदे वाली टूट से राजनीति बिखर गई, उद्धव की सरकार गिर गई। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद एकनाथ शिंदे नए सीएम महाराष्ट्र के बने। ऐसा ही कुछ एनसीपी में भी देखने को मिला, जब अजीत पवार ने जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया और वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2024 से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि परिणाम के बाद तस्वीर इस बार महाराष्ट्र चुनावों के साथ पूरी साफ हो जाएगी। खैर, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।